गुड मॉर्निंग। आज हम आपके बीच आए हैं कक्षा छठी में गणित की नई अवधारणा लेकर, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। आज से आपकी ज्योमेट्री शुरू करते हैं, ज्योमेट्री ज्यामिति। आप गणित की नई नई अवधारणाएं, बल्कि ज्यामिति की नई नई अवधारणाएं पढ़ रहे हैं मेरे साथ। इसमें आपने सीखा बिंदु, पॉइंट, रेखाखंड। ये देखो बिंदु दिखा रखे हैं, बारीक सा चिन्ह एक संकेतक होता है, बल्कि धरती पर लोकेशन का निर्धारण करता है, स्थान का निर्धारण करता है भाई बच्चा कहाँ है, इस पॉइंट पर है, तो उसको पॉइंट कहते हैं। दो पॉइंट को जब मिलाते हैं हम, ऐसे दो बिंदुओं को मिला दिया, तो ये हमारा क्या बनता है, रेखाखंड बनता है। चलिए हम गणित के एक नए कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये मैंने क्या लगाया, ये आपके यहाँ से निकल रहा है प्रकाश। प्रकाश कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है और आपकी तरफ चल रहा है, आगे पता नहीं कहाँ चलेगा। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, ये देखो सूर्य से क्या कहते हैं, सूर्य के प्रकाश को, ये सूर्य क्या है, अब तो समझ गए होंगे क्या है, ये सूर्य की किरण है। आप जानते हैं सूर्य किरणों को, ये एक पॉइंट से निकलती है, यानी कि इसका एक ओरिजिन होता है, मूल बिंदु से निकलकर दूसरी दिशा में चलती रहती है ऐसे। यहां पर तो इसका मूल पॉइंट है ओ, और दूसरी दिशा में असीमित रूप से चलती है, तो इसे कहते हैं हम किरण। क्या नाम है इसका बच्चों, हम किरण कहते हैं, और इंग्लिश में रे। तो इस प्रकार से आपके पास ज्यामिति की ये मुख्य अवधारणाएं हैं। इनके एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। फर्स्ट बिंदु, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, एक स्थान को निर्धारित करता है। जैसे कि ये ए कहाँ है, इस बिंदु पर है, तो ये बिल्कुल बारीक नोक से लगाया गया एक चिन्ह है, छोटा सा केवल संकेत। तो ये बिंदु है हमारा। बिंदु को हम बड़े अक्षरों में दिखाते हैं, ए बी सी कैपिटल लेटर में, या क ख ग में दर्शा सकते हैं। जब हम टू पॉइंट को मिला देते हैं, जब दो बिंदुओं को मिलाते हैं, तो हमारे पास ये इस प्रकार से एक रेखाखंड बनता है। इसको इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। कम से कम दूरी सीधा मिलाना है आपने। अगर ये रेखाखंड दोनों तरफ असीमित रूप से जाए, जैसे रेल की लाइनें जा रही हैं आपकी, तो इसको हम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, रेखा। और रेखा का निशान कैसा, जैसे ये देखो ये रेखा, ये इधर भी गई और ये इधर भी गई। रेखा को कैसे पढ़ते हैं, ये ए बी रेखा है, बिंदु से पढ़ते हैं, या फिर स्मॉल लेटर में रेखा एल, लाइन एम, लाइन ए, स्मॉल लेटर में। अब रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, रेखाएं तीन प्रकार की मुख्य रूप से, सीधी रेखा, देखो सीधी रेखा है, और ये तिरछी रेखा, तिरछी है ना, और ये गोल गोल घूम रही है, वक्र रेखा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको बच्चों, वक्र रेखा, कर्व, कर्व्ड लाइन। तीनों ही हमारे पास लाइन है, सीधी रेखा, तिरछी रेखा, वक्र रेखा। अब हम दो रेखाओं की बात करते हैं। जब आपके पास दो रेखाएं हैं, जब आपके पास दो रेखाएं होंगी, तो या तो वो दोनों समांतर होंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, तो उनको हम पैरेलल लाइन कहते हैं, और हिंदी में समांतर रेखाएं। उनका अंतर हमेशा बराबर रहता है, जैसे कि रेल की लाइनें, या खिड़की के सरिये, या आपकी कॉपी के ये देखो, जैसे इसके किनारे, ये दोनों, ये किनारा और ये किनारा, ये दूसरी लाइन, तीसरी प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो रेखाएं जब उनके बीच में फासला कम होता जाएगा, जैसे देखो ये है एक रेखा, ये है, ये देखो गैप लगातार कम हो, आगे जाके मिलेंगी कहीं ना कहीं, ये आगे जाके यहाँ मिलेगी, तो इस प्रकार से ये प्रतिच्छेदी रेखाएं छेद करते हैं एक दूसरे में, प्रतिच्छेद, इंटरसेक्टिंग लाइन इंग्लिश में कहते हैं। और जैसे देखो ये एक लाइन इधर से आ रही है, एक लाइन इधर से आ रही है, सीधी लाइन दोनों, इधर दोनों सीधी रेखाएं मिलती हैं, इस पॉइंट में मिलेंगे दोनों, या 90 डिग्री कोण बनेगा, तो इनको लंब रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, लंब रेखाएं, यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस। उसके बाद किरण, सूर्य की से निकलती है और एक दिशा से निकलती है, और अंत में दूसरी दिशा में असीमित रूप से चलती रहती है। बच्चों आपने गणित की ये नई अवधारणाएं सीखी हैं। अब आपने अपनी बुक में से एक्सरसाइज 4.1 करनी है। 4.1 में दिया हुआ है कि पॉइंट दर्शाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पॉइंटों के नाम लिखने हैं, एक रेखा का नाम लिखना है। आप यहाँ से देखें, वीडियो को देखकर आप 4.1 एक्सरसाइज बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।